अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाइन, हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाए तो गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए वो खत्म होता है और उसकी कोई चीज बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक गलती है। हकीकत ये है कि इंसान मरने के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल होता है। ये जिंदगी बरज़ख कहलाती है और बरज़ख के बाद आखिरत की जिंदगी होगी जो हमेशा रहेगी, कभी भी खत्म न होगी। मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और हदीस नबविया में वजाहत के साथ बयान किया गया है। दोस्तों, मरने के बाद इंसान को जो चीजें पेश आएंगी उन्हें हम मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामाईनी किराम, इंसान को मरने के बाद जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का सामना करना पड़ता है। कब्र की तसव्वुर ही से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु के औलाम अली का बयान है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जब जन्नत और दोजख का जिक्र किया जाए तो आप इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें निजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें उसे ज्यादा आसान होंगी, और अगर वो इसमें निजात न पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें उससे ज्यादा खतरनाक होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ भी पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और लोगों को भी आप इसकी तलकीन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह चाहो क्योंकि अजाब कब्र बरहक है। सहीहैन में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले इससे पीठ फेर लेते हैं यानी वापस जाते हैं, उस वक्त वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है। तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और जब किसी काफिर या मुनाफिक से ये सवाल पूछ लिया जाता है, तुम इस शख्स के मुतालिक क्या कहते हो? वो कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो वो सवाल करने वाले फरिश्ते उससे कहते हैं कि तूने जानने की कोशिश न की और न ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथियार से इस जोर से मारा जाता है, उसकी चीखें निकल आती है जिन्हें वो सारी चीजें सुनती है जो उसके करीब होती है सिवाय इंसान और जिन्नात के। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हजरत कतादा बयान करते हैं, हमसे ये भी जिक्र किया गया है कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कशादा कर दिया जाएगा और कयामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियां पर दी जाती हैं। सही हदीस में है कि मोमिन जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब देगा तो आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर लाकर बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे इसके पास जन्नत की खुशबू आती है और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बरखिलाफ काफिर और मुनाफिक जो उन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से एक निदा आती है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। सामईन किराम, हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बनू नज्जार के एक बाग में थे। आप अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक खच्चर भटकने लगा करीब तक कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरा दे। हमें वहाँ कुछ कब्रें नजर आई। आपने पूछा, इन कब्र वालों को तुम में से कोई जानता है? तो हम में से एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जानता हूँ। आपने पूछा, बताओ ये कब पोत हुए थे? उसने कहा कि शिर्क की हालत में ही मैं मर गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये लोग अपनी कब्रों में आजमाए जा रहे हैं। मुझे ये डर न होता कि तुम मर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें अजाब कब्र को सुना दे जो मैं सुनता हूँ।
इसके साथ ही हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है यहाँ तक के चौपाए इनकी आवाजें सुनते हैं। याद रखिए, अजाब कब्र से मुराद अजाब बरज़ा है। जो भी इसका मुस्तहिक होगा उसे यह अजाब चखना पड़ेगा, ख्वाह उसे कब्र में दफन कर दिया जाए या आग में जला दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने उसे गा लिया हो, कोई भी सूरत हो उसे यह अजाब पहुंचकर रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। इसलिए सामईन किराम, हम में से हर एक पर यह घड़ी आने वाली है, लिहाजा हम में से किसी को भी इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ हमें कसरत से नया अमाल करते रहना चाहिए। कब हम पर यह घड़ी आ जाए हम में से किसी को मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया और आखिरत दोनों में सुहुरू करे, आमीन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।